आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 इंडियन पॉलिटी एनसीईआरटी क्लास 9th, बुक का नाम है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट 1। चैप्टर 3 में पहला क्वेश्चन है जो हमने आपको क्वेश्चन पेपर पहले से भेजा हुआ है। पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला के बारे में निम्न बातों पर विचार कीजिए। ही वॉज ट्राइड टू फॉर ट्रीजन बाई द White South African government. He was sentenced to life imprisonment, and he later on became the first president of new and free South Africa. ठीक है, तो पहला पॉइंट ये है कि उनको देशद्रोह का आरोप लगाया था साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट ने, जब वहाँ पर गोरे लोगों का शासन था। ये सही बात है। और सेकेंड सेंटेंस है कि उन्हें लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट मिला था। हाँ, उन्हें लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट मिला था, और उसके बाद वहाँ पर एक रेबन आइलैंड है, वहाँ पर उनको लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट के लिए जेल भेजा गया था। जब इन साउथ अफ्रीका में नया कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, तो वहाँ पर उन्हें पहला प्रेसिडेंट बनाया गया न्यू साउथ अफ्रीका का। तो इस पर तीनों सही है, इसलिए इसका डी लगेगा। क्वेश्चन नंबर 2, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द सिस्टम ऑफ अपार्थेड। दिस सिस्टम वॉज यूनिक इन साउथ अफ्रीका। ठीक है, नंबर 2, इट वॉज इम्पोज बाई वाइट यूरोपियंस। पॉइंट नंबर 3, इट वॉज इम्पोज अपॉन नेटिव ब्लैक्स हु वर माइनॉरिटी इन साउथ अफ्रीका। एंड पॉइंट नंबर 3, द वाइट रूलर्स वर लीनियंट टूवर्ड्स अदर माइग्रेंट्स स्पेशली फ्रॉम इंडिया। ठीक है, तो अब देखिए, ये है कि ये जो रंग भेद होता है, ये कुछ उससे रिलेटेड है जो हम लोग, जिसको हम बोलचाल की भाषा में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये जो सिस्टम है वो यूनिक था एक तरीके से साउथ अफ्रीका में। ठीक है, ये बेसिकली जो कलर के बेसिस पर ब्लैक और वाइट का पूरा डिवीज़न किया जाता था, उस पर था। जो वहाँ के अफ्रीका के नेटिव्स थे, जो बेसिकली ट्राइबल्स भी थे, ब्लैक कलर के थे, है ना। और ये वहाँ की एक बहुत बड़ी आबादी थे। ठीक है, तो वो माइनॉरिटी में नहीं थे, वो मेजॉरिटी में थे। इनफैक्ट करीब 3/4 जो पॉपुलेशन थी वो साउथ अफ्रीका के ओरिजिनल इन्हेबिटेंट्स की थी। ठीक है, और वो जो माइग्रेंट्स थे, जो एशिया से आए या स्पेशली इंडिया से आए, उनको लेकर वाइट रूलर्स ऐसा कोई भी लीनियंट नहीं थे। ठीक है ना, तो इसमें जो है स्टेटमेंट नंबर 1 यूनिक है साउथ अफ्रीका का, और स्टेटमेंट नंबर 2 ये जो है वाइट यूरोपियंस ने लागू किया था। तो इसलिए सही आंसर होगा इसका सी। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, द ब्लैक्स ऑफ साउथ अफ्रीका वर डिनाइड विच अमंग द फॉलोइंग राइट्स। पहला है राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस, वो एसोसिएशंस नहीं बना सकते थे। द राइट टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट टेरेबल ट्रीटमेंट, नहीं, वो कोई प्रोटेस्ट नहीं कर सकते थे। राइट टू वोट उनको मिला हुआ नहीं था। राइट टू लिविंग इन वाइट एरियाज, वाइट एरियाज में रहने का अधिकार, और राइट टू वर्क इन वाइट एरियाज। ठीक है, वाइट एरियाज में काम करने का अधिकार। ठीक है, तो इसमें जो है राइट टू फॉर्म एसोसिएशन तो उनको नहीं ही मिला था। ठीक है, और राइट टू प्रोटेस्ट भी नहीं मिला हुआ था, राइट टू वोट भी नहीं मिला था। अब लिविंग इन वाइट एरिया और राइट टू वर्क इन वाइट एरियाज, क्योंकि अगर हम ऑप्शंस को देखें तो 1, 2, 3 तो 100% करेक्ट है, लेकिन 4 और 5 में थोड़ा सा डिस्प्यूट है। उन्हें वर्क के लिए तो जाने को मिलता था, लेकिन लिविंग के लिए अलाउड नहीं था, और इसमें ऑप्शन ऐसा नहीं है। तो जो सी वाला है उसमें आप 4 की जगह अगर 5 कर लें तो ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 1, 2, 3 एंड 5। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर फोर, कंसर्न रिगार्डिंग रिगार्डिंग द अपार्थाइड सिस्टम इन साउथ अफ्रीका, द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस वॉज द अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन इन द मूवमेंट, देर वॉज नो पार्टिसिपेशन फ्रॉम वाइट्स अगेंस्ट द अपार्थाइड मूवमेंट, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज हैड डिनाउंस्ड दिस सिस्टम। ठीक है, देखिए ये मूवमेंट जो है एक तरीके से इंडियन नेशनल अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस द्वारा चलाया जाता था। ठीक है, और 1950s के अराउंड से लेकर के जो ब्लैक कलर के लोग थे और जो वहाँ बाहर से लाए गए थे वहाँ काम कराने के लिए स्पेशली इंडियंस, इन लोगों ने इसके अगेंस्ट लड़ाई करना शुरू किया था और अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के अंतर्गत ही ये मूवमेंट चलाया जाता था। हालांकि इसमें कुछ वाइट वर्कर्स भी थे, जो वाइट पर्सन्स भी थे जो पार्टिसिपेट करते थे, ऐसा नहीं है कि इसमें कोई भी वाइट मेंबर्स नहीं थे। और तीसरी चीज़ ये है कि द मोस्ट कंट्रीज, ज़्यादातर कंट्रीज़ ने सिस्टम को धीरे धीरे समाप्त कर दिया। तो इसमें सेकंड वाला कहना बिल्कुल सही नहीं होगा, तो इसलिए इसका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर फाइव, विच अमंग द फॉलोइंग वॉज द रिजल्ट ऑफ द मूवमेंट अगेंस्ट अपार्थाइड सिस्टम इन साउथ अफ्रीका। इसके इस मूवमेंट के रिजल्ट्स क्या हुए, रिजल्ट्स ऑफ द मूवमेंट। ठीक है, पहला रिपीलिंग ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी लॉज, दस द एंडिंग ऑफ पॉलिसी ऑफ सेग्रेशन एंड अपार्थाइड, रिलीज ऑफ नेल्सन मंडेला फ्रॉम द प्रिजन, ब्रूटल अटैक्स ऑन वाइट्स बाय द नेटिव ब्लैक्स, डिनायल ऑफ राइट्स टू वाइट्स अंडर द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए ये नेल्सन मंडेला रिलीज होते हैं न्यू कॉन्स्टिट्यूशन से, उस दौर की बात हो रही है। तो देखिए ऐसा है कि जैसे ही ये मूवमेंट सक्सेसफुल होगा तो उसके बाद नया कॉन्स्टिट्यूशन आएगा और नए कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्क्रिमिनेटरी लॉज नहीं होंगे और इस तरीके से कोई भी रंगभेद नहीं अपनाया जा रहा होगा। दूसरा चीज़ क्या है कि नेल्सन मंडेला को छोड़ दिया गया, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं हुआ कि वहाँ पर जो ब्लैक्स थे उन्होंने वाइट्स पर अटैक शुरू कर दिए, ऐसा कुछ नहीं हुआ था वहाँ पर। बहुत ही स्मूथ ट्रांसफॉर्मेशन था, ट्रांसफ़र ऑफ पावर था और वाइट्स को भी नए कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वल राइट्स दिए गए हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट है फर्स्ट एंड सेकंड, द आंसर इज सी। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर सिक्स, विच अमंग द फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, टू जनरेट अ डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑपरेशन अमंग द डाइवर्स ग्रुप ऑफ पीपल। कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, जो डाइवर्स ग्रुप ऑफ पीपल है उनमें कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट और कोऑपरेशन डेवलप करना, बिल्कुल है। द स्टेट टू स्टेट हाउ द गवर्नमेंट विल बी फॉर्म्ड एंड हाउ इट विल गवर्न, कैसे सरकार बनेगी और सरकार कैसे काम करेगी, इसको भी डिसाइड करेगा कॉन्स्टिट्यूशन। टू पुट लिमिट्स ऑन द पावर्स ऑफ गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करता है कि सरकार क्या करेगी और क्या नहीं करेगी, तो देन थर्ड वन इज ऑल्सो करेक्ट। टू एक्सप्रेस द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल, कॉन्स्टिट्यूशन इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स विल, उनके एस्पिरेशंस क्या हैं। तो इसमें चारों सही हैं और इसलिए इस पर हम लोग डी जाते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग, countries that have constitution are necessarily democratic, ये हम लोगों ने शायद कल इसी स्टेटमेंट पर चर्चा भी की थी। All countries that are democratic may not necessarily have constitution, first statement हम लोगों ने कल भी आया था जिसपे चर्चा की थी कि जो countries हैं जहाँ पे constitution है ज़रूरी नहीं है कि वो democratic भी हो, बात ठीक है। जो भी कंट्री हैं वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन जो है
जिनके पास कॉन्स्टिट्यूशन हो, देट आर नेसेसरली डेमोक्रेटिक, वो पक्का डेमोक्रेटिक ही होंगी। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने कल आपको एग्जांपल दिया था कि जैसे जहाँ पर डिक्टेटरशिप हो गई, जैसे सद्दाम हुसैन का शासन हो गया, तो वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन तो है लेकिन वो डेमोक्रेसी नहीं है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ये कह रहा है। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है, ऑल कंट्रीज दैट आर डेमोक्रेटिक मे नॉट नेसेसरली हैव कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, देखिए जो भी डेमोक्रेटिक कंट्री होगी उनके पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन होगा ही होगा, भले ही वो कॉन्स्टिट्यूशन रिटन हो, ओरल हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ज़रूर होगा। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ होगी तभी तो डेमोक्रेसी वर्क करेगी। तो इसलिए पहला स्टेटमेंट भी गलत है और दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है। तो इसमें हम लोग जाएंगे डीपर। क्वेश्चन नंबर 8, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द ब्रिटिश लेफ्ट इट टू द डिस्क्रिशन ऑफ प्रिंसली स्टेट टू आइदर टू ज्वाइन इंडियन यूनियन और नॉट। ये बात तो सही है। तीन ऑप्शंस दिए थे, या तो आप इंडियन स्टेट ज्वाइन करिए, या पाकिस्तान ज्वाइन करिए, या इंडिपेंडेंट रहिए। एंड द सेकेंड वन, एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द फ्यूचर ऑफ कंट्री डिड नॉट लुक एज सिक्योर एज इट इज़ टूडे। ठीक है, देखिए जब हमारा आज़ादी मिलती है, कॉन्स्टिट्यूशन लागू होता है, वो दौर बहुत ही डिस्टर्बिंग दौर था, क्योंकि दंगे भी हो रहे थे, बीमारियां, भुखमरी, अकाल, ये सब समस्याएं भी थी, इकोनॉमी भी बहुत अच्छी नहीं थी। तो उस समय हम लोग इतना ब्राइट फ्यूचर को तो इतना सिक्योर नहीं महसूस कर सकते थे जितना आज सिक्योर महसूस कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला भी स्टेटमेंट करेक्ट है और दूसरा भी करेक्ट है। द क्वेश्चन वॉज अबाउट द करेक्ट वंस, तो सी बोथ। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 9। Motilal Nehru and the 8 other Congress leaders drafted a constitution for India after being challenged by the British Secretary of State. ठीक है, ये basically ये पूरी history आप लोगों को पता होगी। ठीक है, उन्होंने बोला था कि कोई इंडियन अगर ऐसा कोई constitution बना दे, या कांग्रेस ही ऐसा कोई constitution बना दे जो ऑल ओवर पार्टीज को, सभी पार्टीज, कंसर्न पार्टीज को एक्सेप्टेबल हो, तो हम उसको मान लेंगे। तो उसी के रेफरेंस में नेहरू कमेटी बनाई गई थी, मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट आई थी, और ये 1928 में बनी थी। हालांकि इसको बाद में कई सारी पार्टीज ने रिजेक्ट कर दिया, इसलिए ये बात हुई नहीं थी। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट, कराची सेशन ऑफ INC ड्वेल्ट ऑन हाउ द इंडिपेंडेंट इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी लाइक। कराची सेशन में बहुत लंबा डिस्कशन हुआ था कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए और कैसे कैसे डॉक्यूमेंट्स को इसमें इंक्लूड करना है, जैसे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होना चाहिए, फ्रीडम, इक्वालिटी, इन सब बातों पर चर्चा हुई थी। तो कराची सेशन ने एक आउटलाइन बनाने की कोशिश ज़रूर की थी। तो फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों सही हैं, इसलिए इसका होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, कंसीडर द फॉलोइंग इलेक्शंस टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर हेल्ड इन जुलाई 1946 ऑन द बेसिस ऑफ क्रेप्स मिशन। इट वॉज नॉट ऑन क्रेप्स मिशन। कॉन्स्टिट्यूशनल, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इन टू इफेक्ट इन 26 नवंबर 1949। नो, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड ऑन 26 जनवरी 1952। देखिए ये जो अडॉप्टेड वाला मामला है ना, ये हो जाएगा आपका नवंबर में, यानी इसमें, और जो केम इन टू इफेक्ट वाला है वो हो जाएगा 26 जनवरी में। तो ये स्टेटमेंट सही होते हैं। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनी थी वो क्रिप्स प्रपोजल पे नहीं बनी थी, तो इसलिए ये भी स्टेटमेंट गलत है। तो फर्स्ट भी गलत है, सेकंड भी गलत है, थर्ड भी गलत है। इट मीन्स द ऑल आर इन करेक्ट। ठीक है, तो ये हो गए आपके 10 क्वेश्चन और उनके आंसर्स। ठीक है, कल हम लोग नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 को लेंगे।